आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच की डेट और टाइम, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें यहां पर डेट और टाइम की, तो 14 मार्च को शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। तो वहीं बात करें अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट की, तो काली मिट्टी की पिच यहाँ पर होने वाली है। आपने पहले T20 मैच में देखा था कि यहाँ पर गेंद बहुत ज़्यादा बाउंस हो रही है और फास्ट गेंदबाजों को बहुत ही अच्छा बाउंसर यहाँ पर मिल रहा है। तो वहीं स्पिनर्स के लिए ये पिच उतनी ज़्यादा कुछ खास मददगार नहीं होने वाली, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स अच्छे कमाल कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग में जेसन रॉय और जोस बटलर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मिडल ऑर्डर में डेविड मलान, जॉनी ब्रेस्टो, इयन मॉर्गन और बेन स्टोक मिडल ऑर्डर की कमाल संभालेंगे। तो वहीं बॉलिंग में सैम करन, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद और मार्क वुड बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं इंडिया की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। शिखर धवन की जगह रोहित शर्मा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे केएल राहुल। तो वहीं बात करें मिडल ऑर्डर की, तो यहाँ पर विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो यहीं बात करें बॉलिंग की, तो वॉशिंगटन सुंदर 7वें नंबर पर, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, टी नटराजन और युजवेंद्र चहल बॉलिंग करते हुए दूसरे T20 में नजर आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह की हो सकती है इंडिया की प्लेइंग 11 दूसरे T20 मैच में। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए क्रिकेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें।